सो हे गाइस, पॉइंट न्यूज़ के एक और नए एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। एंड इंटरनेट शटडाउन होने के बाद मुझे नहीं पता फ्यूचर में दोबारा हो जाए। लिटरली जब मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि इंटरनेट चालू हो गया है, अब से वीडियोस आएंगी, तभी सरकार ने भी सुन लिया। क्या डायरेक्ट पॉइंट का इंटरनेट चालू हो गया, काट ससुरेगा। 11 फरवरी से मेरे एरिया का सेलुलर और वाईफाई बंद है। मेरे कश्मीरी भाइयों, वी ओ यू एन अपोलॉजी। वेल, इस सेगमेंट में हम वही करेंगे, हॉलीवुड में जो चल रहा है उस पे थोड़ी टिप्पणी, इंडिया में जो चल रहा है उस पे टिप्पणी, एंड यू नो हिंदी डब्स। सबसे पहले डिज्नी के सीईओ आइगर को थोड़ी अकल आई है कि वो वोक पंथी और नहीं झाड़ सकते। उन्होंने बोला है कि देखो, जो अच्छा कंटेंट है वो लोग देखेंगे, जैसे कि ओपेनहाइमर। एंड उन्होंने काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, मार्वल स्टूडियोस पिछले काफी टाइम से कचरा मूवीज बना रहे थे। एंड बॉब आइगर ने ये भी बोला है कि डिज्नी कैसे नेटफ्लिक्स के लेवल की बनना चाहती है टेक्नोलॉजी के मामले में। अब ट्वाइलाइट सीरीज किस किस को याद है? हमारे बचपन की फेवरेट सीरीज, मतलब हमारी बहनों की। इसका रीमेक बनने जा रहा है जो कि एनिमेटेड होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमको रेनबोस इसमें भी दिखने वाले हैं। क्रिस्टन डंस्ट यानी मैरी जेन, अपनी स्पाइडरमैन वाली, उन्होंने बोला है कि अगर फिर किसी सुपर हीरो मूवी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वो करेंगी। और उन्होंने बोला है कि भाई बहुत पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो दो बच्चों की माँ है और अपनी माँ को भी संभाल रही है, द अल्टीमेट मम्मी। क्रिस हेम्सवर्थ भैया की फ्यूरियोसा से ये लुक, एंड बिलीव मी ये मूवी बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाली है। वॉर्नर ब्रदर्स की पार्टी है वैसे तो इस साल। अब इंडिया में जरा जियो सिनेमा और हॉटस्टार की मर्जर की बात करी जाए तो देखो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये लोग इंश्योर करते हैं कि मार्केट में अनफेयर कंपटीशन ना बन जाए, एंड ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे रिलायंस और डिज्नी के अगेंस्ट, क्योंकि क्लियरली इनकी मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग हो सकती है मार्केट में, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों कंपनीज को थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। एंड यू नो, आईपीएल जियो सिनेमा पे फ्री रहेगा, एंड इस साल का T20 वर्ल्ड कप हॉटस्टार पे फ्री रहेगा, एंड दोनों अभी भी अलग अलग कंपनी है, इससे रिलायंस को कोई फायदा नुकसान नहीं है। अब जरा हिंदी डब्स पे आते हैं तो सबसे पहले हाउस ऑफ ड्रैगन का season 2 प्रीमियर हो रहा है जून में, एंड जियो सिनेमा पे season 2 हिंदी में भी आएगा। कंफर्म है बॉस, एंजॉय करो। एंड यू नो, जो जियो सिनेमा के डब्स है उस पे वीडियो जल्दी आ रही है। हेनरी कैविल भैया की मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली अफेयर्स, ये मूवी थिएटर्स में अप्रैल में रिलीज होगी, एंड इसकी हिंदी डब कंफर्म नहीं है, लेकिन लेटर ऑन OTT काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये हिंदी में भी रिलीज होगी, क्योंकि Amazon डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो मजे ही मजे। वैसे मैंने इस ट्रेलर को हिंदी में डब किया था, मतलब मेरे पुराने शौक है, तो चेक आउट कर लेना। आर्मगेडन टाइम अब नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप सो आपने इतू सा एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉगबस्टर इंडिया को प्लीज 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 फॉलो कर लेना।